प्रणाम साथियों, देखिए आपको प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और इसका पहला पार्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। और इसमें पहला सेंटेंस है, आवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर आर टेस्ट। क्या है? आवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर आर टेस्ट। सेकेंड पार्ट है इसका, फिल इन द ब्लैंक विद प्रीपोजिशन। क्या है? आई इंसिस्टेड के बाद ब्लैंक है, हैविंग माई से। इसमें ब्लैंक में क्या क्या आएगा? फॉर, ऑन, विद या टू, देखिए आप क्या आता है। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट एडजेक्टिव। और इसका सेंटेंस है क्या? द मुगल एम्परर केम द के बाद ब्लैंक है, क्या आना है? एल्डर, लास्ट, लेटर, लेटेस्ट। मुगल एम्परर केम टू एन इग्नोमिनियस एंड। और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल, ही इज हिटलर। ही इज हिटलर क्या आएगा? अच्छा, यहाँ ब्लैंक है, देखिए ही इज के बाद ब्लैंक क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल। ही इज, यहाँ ब्लैंक आप कंसिडर कर लें, ही इज ब्लैंक हिटलर, ए, एन, द या नो आर्टिकल नीडेड। नेक्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। The whole idea of constructing and to decorate the puja pandals is a part of skill and creativity. क्या है? The whole idea of constructing and to decorate the puja pandals is a part of skill and creativity. पहला है replacement of decorating the puja pandals are, of decorating the puja pandals is, to decorate the puja pandals are या नो इम्प्रूवमेंट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, चूज द वर्ड, चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस। क्या? सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज ओवन कंट्री। क्या आएगा? एजाइलम, रेफ्यूज, रिपेट्रिएट, एमिग्रेट। क्या? सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज ओवन कंट्री। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शंस हैं आपका एजाइलम, रेफ्यूज, रिपेट्रिएट, एमिग्रेट। चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस में सेंटेंस है आपका, द गर्ल वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। पहला ऑप्शन, ए सॉन्ग वॉज बींग संग, ए सॉन्ग वॉज संग बाय द गर्ल। दूसरा, ए सॉन्ग वॉज बींग संग बाय द गर्ल। और तीसरा, ए सॉन्ग हैड बीन संग बाय द गर्ल। और डी ऑप्शन है, ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय द गर्ल। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है आपका रिमोट या डिस्टेंट का एंटोनिम, फार, क्लोज, इमिनेंट, अलोंग। क्या क्या है? फार, क्लोज, इमिनेंट, अलोंग। इसके बाद आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कैंटेंक्रस के ऑप्शंस हैं, क्वालसम, रैश, डिसरेस्पेक्टफुल, नॉइजी। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू फिल इन ईच ब्लैंक। इन ईच ब्लैंक होता है, ब्लैंक्स नहीं होता, गलत टाइप हो गया ये। ही रश्ड ब्लैंक इन, इनटू, टू, फॉर द रूम। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। क्या? शी टोल्ड मी कॉमा, यहाँ इनोडी कॉमाज छूट गया, इनोडी कॉमाज बिगिन, प्लीज सेंड माई बिल्स। ए ऑप्शन, शी रिक्वेस्टेड मी दैट सेंड हर बिल्स, शी रिक्वेस्टेड टू सेंड माई बिल्स, शी रिक्वेस्टेड मी प्लीज सेंड माई हर बिल्स, शी रिक्वेस्टेड मी टू सेंड हर बिल्स। देखिए इनमें कौन सा सही है। इसके बाद चलते हैं
आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन idioms और phrases. पहला सेंटेंस इसमें है आपका, पहला idiom है वी कंसिडर द 14th ऑफ फेबररी अ रेड लेटर डे. क्या 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 ऑप्शंस हैं आपका? फ्रेज हुआ इसमें क्या, ए रेड लेटर डे, ए डे टू राइट विद रेड पेंस, ए डे मार्क्ड इन रेड, ए डे टू राइट लेटर्स, एन इम्पॉर्टेंट डे. चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड. क्या ऑलरेडी, लगेज, सक्सेस, कैरियर. क्या क्या है? ऑलरेडी, लगेज, सक्सेस, कैरियर. आगे चलते हैं. चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुल. क्या है पहला सेंटेंस इसमें? व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, BERTH, BIRTH, बोथ, ब्रेकफास्ट. आगे चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द चॉइस विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शन. ही ट्राइड हार्ड ब्लैंक डिड नॉट सक्सीड. ही ट्राइड हार्ड ब्लैंक में क्या आएगा? बट एंड एल्स एज. आगे चलते हैं. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन ईच ब्लैंक. ही ब्लैंक टेक, डू नॉट टेक, डज नॉट टेक, टेकन. एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग. ही टेक, डू नॉट टेक, डज नॉट टेक, टेकन. एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग. अब आता है आपका पैराग्राफ. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. इफ दिस इज सो, इफ टू रीड अ बुक एज इट शुड बी रेड कॉल्स फॉर द रेयरेस्ट क्वालिटीज ऑफ इमेजिनेशन, इनसाइट एंड जजमेंट. यू मे परहैप्स कंक्लूड दैट लिटरेचर is a very complex art and that it is unlikely that we shall be able even after a lifetime of reading to make any valuable contribution to its criticism. We shall not put in the further glory that belongs. ये अलग अलग नहीं है, ये स्पेस यहाँ दे दिया गया गलती से टाइप करते हुए. दैट बिलोंग्स टू दोज रेयर बींग हु आर ऑल्सो क्रिटिक्स. आपका क्वेश्चन पहला है इसमें, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट, यहाँ ए नहीं है, अबाउट लिटरेचर. ए ऑप्शन है that it is not an easy one to contribute anything. B option, that it is to some extent difficult to understand. C option, that no contribution is necessary for literature. और भाई D option है आपका, that is very easy to understand. क्या बताया डी ऑप्शन आपको? ये रहा, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आगे चलते हैं. द एंटोनिम ऑफ कंक्लूड किसका एंटोनिम? कंक्लूड इज क्या है? कमेंस, एक्सक्लूड एंड इंक्लूड. एंटोनिम बताना है आपको किसका? कंक्लूड का. कमेंस, एक्सक्लूड एंड इंक्लूड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द ऑथर. क्या ऑप्शन ए है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ अस टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर क्रिटिसिज्म. क्या इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ अस टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर क्रिटिसिज्म. बी ऑप्शन, इट इज पॉसिबल टू डू समथिंग. सी ऑप्शन, इट इज़ नॉट इवन ईजी टू अंडरस्टैंड लिटरेचर. और डी ऑप्शन है, मोस्ट ऑफ द पीपल कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रिटिसिज्म ऑफ लिटरेचर. क्या है डी ऑप्शन? मोस्ट ऑफ द पीपल कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रिटिसिज्म ऑफ लिटरेचर.
और जी 20th सेंटेंस 20th क्वेश्चन है आपका, द ऑथर फील्स दैट वी कैन नॉट हैव द ग्रेटनेस ऑफ, क्या है? द ऑथर फील्स दैट वी कैन नॉट हैव द ग्रेटनेस ऑफ राइटर्स, क्रिटिक्स, पब्लिशर्स, रीडर्स। अब आया आपका क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट में वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ, क्या बताया? वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ, ऑप्शन है एडवांस्ड, एडवांसिंग, डेवलप्ड, डेवलपिंग। कंट्रीज ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इज देयर, क्या क्या ऑप्शंस हैं? हैंडीकैप, डिसएडवांटेज, इनएबिलिटी, इनकैपेसिटी। टू इवॉल्व अ जुडिशियस मिक्सचर ऑफ, क्या क्या है ऑप्शन? इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, साइंटिफिक, इन्वेंशन। सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। टुडे जाम्बिया ब्लैंक, क्या क्या आएगा इसमें? देखते हैं। बैंक्ड, ट्रेडेड, कैरीड और एक्सपेक्टेड। ऑन इम्पोर्ट्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस 20 ईयर्स के बाद, 25th ब्लैंक है आपका। सिंस, एगो, क्या? आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस 20 ईयर्स के बाद, सिंस, एगो, अर्लियर, बैक। देखना इनमें से कौन सा आएगा। सिंस, एगो, अर्लियर, बैक। आप देखिए इनमें से कौन सा आता है। और भाई बने रहिए हमारे साथ, लॉकडाउन का सदुपयोग करिए। और आपको मैं खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि आपका चैनल मोनेटाइज होने जा रहा है आपके सहयोग से। आप बने रहे चैनल पर, आप देखते रहे और आपने टाइम कंप्लीट कर दिया है, शायद एक दो दिन में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।